पंजाब कांग्रेस की खींचतान पार्टी आलाकमान के लिए बड़ी समस्या बन गई है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए ये नहीं सुलझने वाली पहेली बन गई है। पंजाब में सियासी बवाल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अब सीधी धमकी दी कि अगर उन्हें निर्णय लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान, अब सिद्धू ने दी धमकी, फैसला लेने की नहीं मिली छूट तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जान नहीं दूंगा, लेकिन जे तुसी मैनूं निर्णय नहीं लैण दोगे तो फिर मैं इक ना इक भी खड़ा। पंजाब कांग्रेस में बवाल फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सियासी बवाल के बीच पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने अब सीधी धमकी दी है कि अगर उन्हें निर्णय लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। दर्शनी घोड़ा बनने का कोई फायदा नहीं। हालांकि ये धमकी कांग्रेस हाईकमान को है या फिर कैप्टन अमरिंदर को, इसको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सिद्धू ने इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी टारगेट किया। बिजली और रोजगार को लेकर इशारों इशारों में कैप्टन पर निशाना साधा। मैं हमेशा लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम करता हूं और मैं आज भी उठी खड़ा। ये नहीं कि मैं पहले दिन तो ये आवाजा नहीं चकिया, मैं चकिया और आज भी मैं हाईकमांड में एको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोगों दी आसां के उत्ते खरा उतरू, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जान नहीं दूं, लेकिन जे तुसी मैनूं निर्णय नहीं लैण दोगे तो फिर मैं इक ना इक भी खड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू अपने मां प्यो दी नेकी नूं निभा सकिया ते ए मेमोरेंडम नहीं है, ये पंजाब मॉडल है। पंजाब मॉडल जांदी बहार चाहे भुल जाओ जड़े कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जांदी बहार चाहे, याद रखियो एह जा पंजाब मॉडल खड़ा करूं कि ये बहार अगले 20 साल जानी नहीं, याद रखी जानी नहीं। मैनू यह पता है कि जब तक मैं सुनांगा नहीं मैं बोल नहीं सकता और सच पूछो लोग हताश ने, लोग निराश ने, लोग कहते साडियां आसां दे उत्ते कोई खरा नहीं उतरिया। मैं तुहानू अज कहना, मेरा अज दा ट्वीट भी पढ़ लो जड़ी बिजली, मैं कहना प्रधान होने के नाते मैं कहना कि जड़ी बिजली अज 9 रुपये मिल रही है 3 रुपये मिल सकती है, बकायदा मिल सकती है। 1 रुपये 99 पैसे सोलर एनर्जी खरीदी गई है 17 रुपये किस पैसे पे क्यों? नवजोत सिंह सिद्धू की धमकी पर जब प्रभारी हरीश रावत से सवाल पूछा गया तो वे जवाब से बचते नजर आए। पता नहीं किस विषय में कहा आप, तो बोला क्या कर कुछ जानते हो लाइट लगा आजादी नहीं दी जानते हो सिद्धू जी अंदाजे भया है लेकिन लगता नहीं। पंजाब में कैप्टन से मंत्री और विधायक नाराज हैं। हरीश रावत हालात को साधने के लिए लगातार दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, आलाकमान को हर हालात से अवगत करा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पूरी बातें रख दी हैं और मैंने उनको ये भी बता दिया है कि प्रत्येक पक्ष का ये कहना है, जो सोनिया जी का निर्णय होगा हम मानेंगे। थोड़ी बातें मैंने कहा बिगड़ी हैं इधर, लेकिन हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस की खींचतान पार्टी आलाकमान के लिए बड़ी समस्या बन गई है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए ये न सुलझने वाली पहेली बन गई है। पंजाब और दिल्ली के बीच हरीश रावत ही वो चेहरा है जो सब कुछ साधने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन एक के बाद एक होती बयानबाजी साफ बता रही है कि कैप्टन अमरिंदर की राह आसान नहीं है। वैसे पंजाब की पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। दोनों नेताओं में असली झगड़ा टिकट बंटवारे को लेकर शुरू होगा। दोनों गुट अपने अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि चुनाव में जीत के बाद वो विधायकों की संख्या के बल पर आगे की रणनीति तैयार कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।